कुछ तो बुड वक्त ताहिर चैनल में आपका स्वागत। मेरा नाम ताहिर, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ फ्लैश डिजाइन जो हमने विनियर में डिजाइन तैयार किया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि हमने जो विनियर लगाया कितने एम का लगाया है, पॉलिश का जो मटेरियल किया है वो कौन से लाइट कितना लाइट लिया हमने, और जो 3D जो लुक दिया वो हमने कैसे दिया, कितने रंग की प्लाई कर दी इस्तेमाल किया, और जो डोर की मोटाई है हम वो भी दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा डोर डिज़ाइन है। अगर हम बात करें इसकी मोटाई की तो ये हमारे 30 mm का डोर था, 4 mm की बिनियर है। आप देख सकते हैं 4 mm बिनियर हमने फ्रंट पर दिए। अगर नीचे की बात करें तो हमने नीचे ही 4 mm बिनियर दिया है। अगर हम बात करें साइड की तो हमने बिनियर का इस्तेमाल किया साइड में भी, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और हम साइड की बात करें तो हमने 5 इंच का पट्टा दिया है। हम बात करें तो हमने पेंसिल लुक डिज़ाइन दिया है जो आप वीडियो का हम देख सकते हैं। पेंसिल लुक डिज़ाइन बोलते हैं इसको फ्लैश डोर के अंदर। ये हमने एंट्री डोर बनाया है फ्लैश डोर। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर हम पॉलिश की बात करें तो हमने बिल्कुल इसमें लाइट अस्तर कर किया है। ये लाइट बिल्कुल लाइट अस्तर लगवाया है इसमें, 10 कलर की हमने पॉलिश की है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों कलर जो दिया हमने बिल्कुल 10 कलर दिया है लाइट बिल्कुल। ये मेलेवान पॉलिश कराई है हमने। आप इसके अंदर स्ट्रीट में रेसा भी देख सकते हैं आप। इससे बनिया का लुक बहुत अच्छा निकल के आया बाहर। आप जो इसके ग्रैम देख सकते हैं, जो इसके रेसे हैं वो बाहर आए एकदम पॉलिश में। लाइट कलर की हमने पॉलिश कराई है। बात करें गैप के बीच में तो हमने आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये हमने 1.5 इंच का गैप दिया है। ये जो हमने एंगल भी दिया है पेंसिल लुक का, ये भी 1.5 इंच का लुक दिया है। अगर हम साइड की बात करें तो हमने ये भी 1.5 इंच लुक दिया है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी पेंसिल लुक की जो हमने कटिंग की है, ये हमने 3 इंच में की है। और इसे जो पीस दिया हमने वो इससे बड़ा दिया है 6 इंच का। अगर हम बात करें पीछे की तो ये हमने 2 फिट का लुक दिया है। 2 फिट के बाद अगर हम बात करें आगे की तो हमने 4 इंची पीस दिया है, आप देख सकते हैं। चौड़ाई की बात करें तो हमने 10 इंच के पीस दिए हैं। हमने ये ऊपर का, ये ऊपर का हिस्सा दिखा रहे हैं हम आपको डिज़ाइन में, जो है जो ऊपर का पीस है, ये नीचे सारे पीस आप देख सकते हैं जो ऊपर का हिस्सा है। बात करें ऊपर का, ये डिज़ाइन ऊपर का है। अब हम आपको नीचे ले आते हैं वीडियो के अंदर। ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई की बात करें, ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें 12 mm की, ये हमने 12 mm की प्लाई का इस्तेमाल किया है। मटेरियल की बात करें तो हमने 4 mm का बिनियर दिया है। नीचे प्लाई की बात करें तो हमने 12 mm 30 mm का हमने डोर दिया है जिसमें मार्जिन लगाया हमने। 4 mm का बिनियर दिया है, नीचे 4 mm का बिनियर दिया है। अगर हम बात करें 1.5 इंच ग्रुप की तो हमने 1.5 इंच ग्रुप दिया है। ये ऊपर का डिज़ाइन है, ये हमने नीचे लिया है ऐसे, आप देख सकते हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी आपको पसंद आने वाला है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डोर कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।